एबीपी न्यूज पर इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां वर्ली की 33 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसकी 26वीं मंजिल पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रहती हैं, 30वीं मंजिल पर उनका ऑफिस है। और मुंबई के वर्ली इलाके में इस 33 मंजिला इमारत पर आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियां यहां मौजूद हैं, आग बुझाने के लिए आई हुई हैं। 90 लोगों को फिलहाल इस बिल्डिंग से बाहर निकाला गया है, बचाया गया है। बताया जा रहा है कि 33 मंजिला इमारत में 32वीं और 33वीं मंजिल पर आग लगी है। बड़ी बात यह है कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण खुद 26वीं मंजिल पर रहती हैं, वर्ली की इस बिल्डिंग में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी। वर्ली के बीओ मॉनरी बिल्डिंग में एक भीषण आग लगी है। मैं फिलहाल बैंड्रा सीलिंग की तरफ हूँ। यहाँ से वर्ली करीब 3 से 4 किलोमीटर के अंतर पर है, पर इतनी दूर के अंतर पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आग दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं उस इमारत से धुआं निकल रहा है। यही वो इमारत है, ग्राउंड प्लस 33 का स्ट्रक्चर है और टॉप फ्लोर 33rd फ्लोर पे आग लगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और धुआं कितना ज़्यादा यहाँ से आप देख सकते हैं उस इमारत से निकल रहा है, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। जो फायर ब्रिगेड की तरफ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी किसी के इस आग में हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पूरे प्रयास चल रहे हैं। लेवल 2 की आग फायर ब्रिगेड की तरफ से इसे घोषित किया गया है और करीब 6 वाटर इंजिन्स, 2 से 3 वाटर टैंकर्स यहाँ पर भेजे गए हैं, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग है और इसीलिए यहाँ पर जो क्रेन्स होते हैं उनको भी यहाँ रवाना किया गया है, ताकि उस क्रेन की मदद से वहाँ तक पहुँचा जाए और इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन बहुत बड़ी आग है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और इसी वजह से इतने दूर भी इस आग को देखा जा सकता है। ये डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, लेकिन इसके बावजूद इस आग को, यहाँ लगी इस आग को, वहाँ से निकल रहे धुएँ को साफ हम देख सकते हैं। पूरे प्रयास चल रहे हैं इस आग पर काबू पाने के। कौन व्यक्ति वहाँ पर उस समय मौजूद था, कितने लोग थे, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। क्या उन्हें बाहर निकाला गया है, क्या वो सुरक्षित हैं, इसकी भी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन फायर ब्रिगेड की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस आग पर तुरंत काबू पाया जाए। क्रेन्स की मदद से, हाई राइज टावर होने की वजह से क्रेन्स की मदद लेकर इस पर काबू पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड करेगी। ये हाई प्रोफाइल इलाका है वर्ली प्रभा देवी का, और यहाँ इस इमारत में जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं या रह चुके हैं, ऐसी जानकारी है। और इसी वजह से ये आग जो है इस पर काबू पाने के पूरे प्रयास चल रहे हैं, और जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाएगा, ऐसी उम्मीद फायर ब्रिगेड जता रही है। लेकिन आग पर अब तक नियंत्रण नहीं पाया गया है और आग अब भी यहाँ लगी हुई है। कैमरामैन संजय शिंदे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तो ये रिपोर्ट आपने गणेश की देखी, और जैसा गणेश बता रहे थे, प्रभा देवी इलाके में वर्ली में ये बिल्डिंग है, 33 मंजिला इमारत, जिसे अभी आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसमें 32 और 33वें माले पर देखिए भयंकर आग लगी है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। 10 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, और इसी बिल्डिंग में 26वीं मंजिल पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रहती हैं, 30वीं मंजिल पर उनका दफ्तर है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, ताजा हालात क्या है, क्या आग पर काबू पाया जा सका है? देखिए, आग को फैलने से रोक लिया गया है और आग बुझाने की प्रक्रिया चल रही है, और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। दमकल की करीब 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, जो कि फायर फाइटिंग का काम कर रही हैं। ये जो इमारत जिसमें आग लगी है, ये इमारत एक रिहायशी इमारत है। इसके इर्द गिर्द भी कई सारी स्काई स्क्रैपर्स हैं, कई सारी रिहायशी इमारतें हैं जो कि 25-30 मंजिलों से ज्यादा ऊंची हैं, और उन्हीं में से एक ही इमारत है जिसमें कि आज दोपहर को आग लग गई, और ये आग ऊपरी मंजिलों में लगी थी, सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लगी थी। उसके बाद इसने नीचे की तरफ फैलना शुरू किया था, लेकिन जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आग पर, आग को फैलने से रोक दिया गया है और आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा, ऐसा फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का कहना है। जी, और जितेंद्र, जैसा कि बताया जा रहा है कि 90 लोगों को बचाया भी गया है, बाहर निकाला गया है। 26वीं मंजिल पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का घर है, 30वीं मंजिल पर उनका दफ्तर है। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, आग लगी थी, अब दीपिका कहाँ थी? देखिए, दीपिका की मौजूदगी के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये पता चला है कि वो आग लगते वक्त ना तो घर में थी ना तो दफ्तर में थी, और जैसे ही आग लगने की खबर आई, पूरी बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उन्होंने सभी फ्लैट के ऑक्यूपेंट्स को अलर्ट कर दिया और सभी को तुरंत ही अपने अपने घरों से बाहर निकालकर नीचे की ओर ले आए, और जो बिल्डिंग का खुद का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया था, ये जानकारी मिली है। और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पहुंचने तक जो है उस पूरी इमारत को खाली करा
लिया गया था। बताते हैं कि 95 लोग जो है जब आग लगी उस वक्त इस इमारत में मौजूद थे और उन सभी को जो है बाहर निकाल लिया गया। जी, इसके अलावा जीतेंद्र ये भी बताइए, जो वर्ली का इलाका है, प्रभा देवी जिसकी बात हो रही है, किस तरह का इलाका है, क्या प्राइमरीली रेजिडेंशियल इलाका है ये? देखिए, ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं जहाँ पर की कमर्शियल प्रमाइसेस भी हैं और बहुत सारी रिहायशी इमारतें भी हैं। यहाँ पर कई सिद्धिविनायक मंदिर, जो मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर है, वो भी यहाँ से कुछ मीटर के फासले पर ही है। इसके अलावा जो सामना अखबार का दफ्तर है वो भी नजदीक में ही है, वर्ली सीफेस इसके पास में है। तो कई सारे ऐसे जो जानी मानी इमारतें हैं, जानी माने परिसर हैं, वो इस इमारत के इर्द गिर्द हैं। और अगर इस इमारत की बात करें तो इस इमारत में भी कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कई मराठी कलाकारों के भी घर हैं। दीपिका पादुकोण का भी घर है जैसा आपने बताया। तो इस इमारत में कई जानी मानी हस्तियां रहती हैं इस इमारत में भी, और इसकी इर्द गिर्द की दूसरी इमारतों में भी कई नामचीन वकील भी रहते हैं और उद्योगपति भी रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं। जितेंद्र, आग लगने की वजहों का क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस से हमने बात की, पुलिस का कहना है कि एक बार जब मुंबई फायर ब्रिगेड जो है आग पर आग को पूरी तरह से बुझा देगी, फिर उसके बाद जो उनकी अपनी फाइंडिंग्स होंगी और मुंबई पुलिस फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और तब साफ हो पाएगा कि आग आखिर किस वजह से इस इमारत में लगी थी। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि पहले आग को पूरी तरह से बुझा लिया जाए और उसके बाद में फिर आग लगने की वजह की जाँच होगी, कारणों की जाँच होगी। और ताजा जानकारी जितेंद्र जो आप दे रहे हैं वो ये कि आग पर काबू पाया गया है, अब आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, आग पर काबू पा लिया गया है, अब उसको पूरी तरह से, हालांकि अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं है आग अंदर की तरफ जो है, और आग को बुझाने की पूरी तरह से बुझाने की कोशिश हो रही है। कूलिंग ऑपरेशंस भी तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा और इस वक्त अब लपटें तो नहीं उठ रही हैं, जैसे कि शुरुआत में जब आग लगी थी तो बड़ी बड़ी लपटें नजर आ रही थी। लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं, शायद अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हों, लेकिन इनमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो एकदम ऊपरी मंजिल है, 32वीं और 33वीं मंजिल पर आग लगी है, वहां पर आप देख सकते हैं आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, धुएं का गुबार, और जैसा कि हमने आपको बताया दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। हमारे संवाददाता मनश्री पाठक की रिपोर्ट देखिए। प्रभादेवी इलाके के डी माउंट बिल्डिंग में एक बड़ी आग लगी है। हम आपको ये दृश्य दिखा दें कि किस प्रकार से एक बड़ा टॉवर है प्रभादेवी में, मुंबई में प्रभादेवी इलाके में, ये एक बड़े टॉवर में से एक है जहां पर काफ़ी बड़े लोग रहते हैं, काफ़ी कलाकार भी रहते हैं, और इस 33 फ्लोर्स के बिल्डिंग पर आग लगी है, जो सबसे ऊंचा फ्लोर है उस पर ये आग लगी है। हम आपको बता दें कि ये यहाँ पर 32 से लेकर 33 तक डुप्लेक्स फ्लैट है जिसमें आग लगी हुई है। यहाँ पर 90 लोग रहते थे जब आग लगी थी, लेकिन इस सब लोगों को अभी बिल्डिंग से बाहर निकल दिया गया है। और हम अगर नज़ारा देखें तो देख सकते हैं कि बाजू में ही एक बड़ा सा टॉवर है, जो आग बाजू में फैल सकती है कुछ ही देर में, इसलिए जो सुरक्षा है, यहाँ के दमकल विभाग के सभी अधिकारी है, वो सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि इस आग से किसी को जीवित हानि ना पहुंचे। फिलहाल किसी भी कैजुअलिटी की संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि सभी लोग जो है वो बिल्डिंग से बाहर निकल गए हैं। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस फ्लैट्स को, क्योंकि जो आग है वो लगातार फैलती जा रही है। पहले लेवल 2 का कॉल दिया गया था, अभी लेवल 3 का कॉल है। तकरीबन 6 से 10 फायर इंजिन्स यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं, 5 जम्बो टैंकर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, और अत्याधुनिक तकनीक से इस आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो बाजू के टॉवर्स है उसके टॉप फ्लोर से ये आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर फाइटिंग जो चालू है वो बाजू के टॉवर से चालू है, और इसीलिए डायरेक्ट अटैक हो सकता है जहां पर आग लगी है, जो आग लगी है उस पर पानी का प्रयोग करके ये आग बुझाने का फिलहाल प्रयास चल रहा है। लेकिन अंदर की जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और जो फिलहाल जानकारी मिली है मुंबई फायर ब्रिगेड वो ये है कि जल्द से जल्द इस आग को, इस अंगार को जो है काबू में किया जाएगा। लेकिन जल्द से जल्द अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आजू बाजू की जो इमारतें हैं वो भी इस आग की चपेट में आने की संभावना दिख रही है। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मनुष्य पाठक, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
तो मुंबई के वर्ली इलाके में जिस बिल्डिंग में दीपिका पादुकोण रहती हैं, उस बिल्डिंग की 32वीं और 33वें फ्लोर पर जो आग लगी थी, उसमें बड़ी खबर यह आ रही है, राहत की खबर कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब आग को पूरी तरह से बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसे और फैलने से बचा लिया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।